लोन कंपनी की रिपेमेंट नहीं करें तो हमारे साथ यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या हमारे घर रिकवरी एजेंट आ सकते हैं, क्या हमारे घर लीगल एक्शन का नोटिस आ सकता है, और क्या हमारा जो सिविल स्कोर है कितना हद तक हमारा यहाँ पे खराब हो सकता है, और क्या हरासमेंट के लिए हमारे को यहाँ पे कॉल आ सकती या नहीं आ सकती। तो उससे पहले जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने भी किसी भी एनबीएफसी कंपनी से लोन ले रखा है, अगर आप उसकी रिपेमेंट नहीं कर पा रहे तो काफी टाइम को यहाँ पे जो आपका लोन है वो डिले चल रहा है, तो आपके साथ इस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो सकता है। अगर आपका लोन यहाँ से 5 से 10 हजार का, या 10 से 20 हजार का, या 20 से 30 हजार का, या 50-60 हजार रुपए का लोन है, तो इस कंडीशन में आपके साथ यहाँ पे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जितने भी ऑनलाइन अप्लीकेशन है, अगर वो अप्लीकेशन एनबीएफसी कंपनी है तो ज्यादा आपके साथ कुछ नहीं होने वाला। हो सकता है कि आपको वहाँ पे कॉल जरूर आ सकती है, कि हरासमेंट के लिए आपको कॉल भी आ सकती है, और आपका जो सिविल स्कोर है वो भी वहाँ पे कुछ हद तक आपके वहाँ पे खराब हो सकता है। बाकी किसी प्रकार का कोई नोटिस आपके घर आने वाला है वो जल्दी करके आपके घर वहाँ पे नोटिस नहीं आएगा। 6 मंथ तक आपको वहाँ पे कंपनी की तरफ से इंटरेस्ट भी आपको वहाँ पे लगता रहेगा, और जब जब आपको इंटरेस्ट लगता रहेगा तो 6 मंथ के बाद ही हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट वहाँ पे क्लोज कर दिया जाए। उसके बाद अगर आपके पास रिपेमेंट करने के लिए पैसे तब भी नहीं है तो आप कंपनी से वहाँ पे बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके घर रिकवरी एजेंट रिकवरी करने के लिए आ जाएंगे या आपको पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, कुछ केसेस में ये हो सकता है कि अगर वो ब्रांच आपके घर के आसपास है तो हो सकता है कि आपके घर वहाँ पे रिपेमेंट पैसे लेने के लिए भी वो यहाँ पे कंपनी आपके घर तक पहुँच सके। अगर जैसे मान लो कोई कंपनी है, ऑनलाइन कंपनी है, उसकी ब्रांच सिर्फ दिल्ली या किसी NCR या किसी जगह, तो हो सकता है कि वो पूरे इंडिया में वर्क कर रही है तो वहां तक वो नहीं पहुंच पाते, तो उसके लिए आपको वहां पे डरने की वहां पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास रिपेमेंट है तो आप उनको कर सकते हो, अगर आपके पास रिपेमेंट नहीं है तो आप थोड़े थोड़े करके उनको वहां पे रिपेमेंट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर कई लोग ये बोलते हैं कि अगर हम उसकी रिपेमेंट बिल्कुल भी नहीं करें तो क्या होगा, क्योंकि फ्यूचर में आपको कभी भी लोन लेना पड़ सकता है। अगर आप फ्यूचर में कभी भी लोन लोगे या कभी भी लोगे, आज आप इनकी रिपेमेंट नहीं करोगे तो आपका पूरे तरीके से यहाँ पे सिविल यहाँ पे खराब कर दिया जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन एक पूरे तरीके से एनबीएफसी कंपनी है और एनबीएफसी कंपनी का हम पैसा वहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं रख सकते। अगर आप वहाँ से 10 से 15 हजार रख भी लोगे तो कंपनी को इस बारे में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, और यही फर्क पड़ेगा कि आपको जो आपका सिविल स्कोर है पूरा खराब हो जाएगा। अगर आप नेक्स्ट टाइम किसी भी कंपनी में लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ से लोन नहीं मिल पाएगा। तो इसका मतलब यही है कि अगर आपने रिपेमेंट किया, अगर आपने उनसे पैसे लिए हैं तो आप उनको पैसे टाइम से पे कर दो। हो सकता है कि आपके पास नहीं है तो कुछ टाइम बाद उनको पे कर देना, बाकी है कि उनको हमें पैसे पे कर देने चाहिए। और जिन भाइयों को सिविल स्कोर नहीं बनाना तो हो सकता है कि उनको पैसे नया पे करने पड़े, तो वो यही सोचते हैं कि हम बाद में पे कर देंगे। तो बाद में पे करने के बाद अगर एक बार वहाँ पे सिविल पे ये चढ़ गया कि ये बंदा यहाँ पे डिफॉल्ट कर चुका है हमारे लोन का, तो आप यहाँ से कम 4 से 5 साल या 10 साल तक भी वहाँ पे किसी भी कंपनी में वहाँ पे लोन नहीं ले सकते। अगर आप बैंक में भी जाएंगे लोन लेने के लिए तो भी आप उस मतलब कि उस किसी भी कंपनी से आप यहाँ पे लोन नहीं ले सकते। बस मेरा कहने का मतलब यही है, अगर हमने लोन लिया तो हमें उसको चुका देना चाहिए। अगर हमें किसी कंडीशन में हमारे पास पैसे नहीं है तो हो सकता है कि उस टाइम हमारी मजबूरी है कि पैसे नहीं है, अगर आपके पास पैसे आते हैं तो उसके बाद भी हमारे को जो लोन है वो यहाँ पे रिपेमेंट कर देनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।